मैडम जी, अपनी एक गाड़ी हटा लेते, मुझे मेरा रिक्शा निकालना था। क्यों, तेरे बाप की सड़क है क्या, कहीं और से निकाल ले। नहीं नहीं मैडम जी, रिक्शा निकालने के लिए बिल्कुल भी जगह नहीं है, बस आप थोड़ी सी हटा लेते। नहीं देरी, रास्ता तू बताएगा मुझे क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। जानता है मेरा बाप कौन है? MLA मिस्टर शेखावत की बेटी हूँ मैं, और तू दो कौड़े का आदमी मुझसे बहस करेगा? मैडम जी, मैं आपसे कोई बहस नहीं कर रहा हूँ। माना कि आपके पापा यहाँ के MLA है, तो इसका मतलब ये तो नहीं कि आप हम जैसे लोगों को परेशान करेंगी। तू बहुत ज्यादा जुबान नहीं चल रही है तेरी, बताओ तेरे को। मैं सीन क्रिएट मत कर, लोग देख रहे हैं। चल थोड़ी सी प्रज्ञा छोड़, चल गाड़ी में बैठ। तेरे को तो छोड़ूंगी नहीं, गाड़ी में बैठ। पापा आप ठीक तो हो? हाँ बेटा। मैडम जी अब क्या हुआ? लोगों के आगे बहुत जुबान चल रही थी ना तेरी। मैडम जी मेरी कोई जुबान नहीं चल रही थी, मैंने तो सिर्फ आपको गाड़ी हटाने के लिए बोला था, आप ही मुझसे बदतमीजी से बात कर रही थी। बदतमीजी? वो तूने अभी देखी कहाँ है, वो तो तू अब देखेगा। और यहाँ तुझे कोई बचाने वाला भी नहीं है, मारो इसे। मैडम जी, मैडम जी, मैडम जी, मैडम जी, बस इसकी एक खटारा ले चलो साथ। मैडम जी मुझसे गलती हो गई, मैडम जी मुझे माफ कर दो। मैडम जी, मैडम जी मेरी रिक्शा, मेरी रिक्शा। मैडम जी, मैडम जी, तू तेरी इतनी हिम्मत की तू मेरे घर तक आ गया? मैडम जी मुझे माफ कर दीजिए, मेरा रिक्शा मुझे वापस कर दीजिए, वो मेरे मालिक का था, मैं उसके पैसे कैसे भरूंगा? कहीं से भी बस, ये मुझसे पंगा लेने से ना पहले सोचना चाहिए था, तुझे जिंदा छोड़ दिया ये कम है क्या है? और वैसे भी तेरा रिक्शा हमने तोड़ फोड़ के फेंक दिया। मैडम जी मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूँ, मेरे साथ ऐसा मत कीजिए। तुझे मैं क्या बोल रही हूँ समझ आ रहा है? निकल रहा है यहाँ से या फिर से मार खानी है? मैडम जी निकल। मैडम जी, मैडम, मैडम जी, मैडम जी, इंस्पेक्टर साहब आप यहाँ? आपके खिलाफ कंप्लेन है कि आपने इनको बहुत बुरी तरह मारा है और इनकी रिक्शा भी तोड़ के फेंक दी है। नहीं सर, ऐसी कोई बात नहीं है, ये झूठ बोल रहा है। और सर आप कहाँ इन जेसू की बातों पर विश्वास कर रहे हैं? मैडम जी अब झूठ बोलने का कोई फायदा नहीं है, मैंने साहब को सब कुछ बता दिया है और मेरे पास सबूत भी है। सबूत? कैसे सबूत? हाँ मैडम जी, जब आप लोगों ने मुझे बेरहमी से मारा था और मेरा रिक्शा लेकर चले गए थे, तब मेरे बेटे ने वीडियो बना ली थी। वीडियो इस फोन में है। सर आप मेरी बात समझिए, ऐसा कुछ नहीं है, सारी गलती इसकी है, इसी ने। देखिए मैडम, अब जो भी बातें होंगी पुलिस स्टेशन चल के होंगी, फिलहाल के लिए आपको IPC के सेक्शन 71 के अंतर्गत हमें अरेस्ट करना पड़ेगा और इनके सारे नुकसान की भरपाई करनी पड़ेगी। सर आप जानते हैं मेरे फादर कौन है? ठीक है, आप उनको भी पुलिस स्टेशन बुला लीजिएगा, जान पहचान भी हो जाएगी, लेकिन अभी आपको चलना पड़ेगा। चलिए। बेटा तुमने बहुत हिम्मत और समझदारी का काम किया है, शाबाश। अगर आप अपनी लाइफ में किसी भी तरह की प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं और उसको आप किसी के साथ शेयर करना चाहते हैं, तो हमने एक वेबसाइट बनाई है जिसका नाम है nijo.plus। इसका फेसबुक ग्रुप चैट के लिए अवेलेबल है
और कॉलिंग के लिए आप हमारी वेबसाइट पे आ सकते हैं, जिसका डिस्क्रिप्शन और डिटेल्स हमने अपने कमेंट सेक्शन में डाला है। तो नाम है nijo.plus।